से आया हूँ आपके पास, आप लोग के सामने एक नया शेयर लेके। और शेयर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, डायनेमिक केबल्स। और इस शेयर को सर्च करने से पहले गूगल में प्लीज एंड में BSE जरूर लिखिएगा। और क्यों लिखिएगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। चलिए आते हैं डायनेमिक केबल्स लिमिटेड। डायनेमिक केबल्स लिमिटेड, जैसा कि नाम से ही आप पहचान सकते हैं, ये केबल्स की कंपनी है जो कि केबल्स बनाती हैं। और आज के दिन इसमें तकरीबन 4.5% की तेजी है। पिछले 5 दिनों का ग्राफ देखता हूं तो सिर्फ 1.5% के आसपास की तेजी है। अगर मैं पिछले 1 महीने का ग्राफ देखता हूं तो तकरीबन 30.5% राउंड फिगर में 31% की तेजी है। दोस्तों 6 महीने में 38, ईयर टिल डेट देखता हूं तो 106%, और पिछले 1 साल का ग्राफ देखता हूं तो 181% की तेजी है। दोस्तों आप देख सकते हैं पिछली 1 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है व्हेन इट कम्स टू शेयर प्राइसिंग में। और आप देख सकते हैं जो शेयर के प्राइस ऊपर जा रहा है, कंसिस्टेंट ऊपर जा रहा है। और इसका मार्केट कैपिटल दोस्तों 352 करोड़ है। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, बहुत छोटी कंपनी है और साथ में रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन हाँ रिस्क और रिवॉर्ड दोनों एक साथ चलते हैं। और 52 वीक्स हाई जो इसका है वो 191 है, तकरीबन 192 के हिसाब से, और जो 52 वीक लो है वो 60 है। मैं इस कंपनी की वेबसाइट पर जाता हूँ, आपको थोड़ा और दिखाता हूँ कंपनी के बारे में, ताकि आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं आ गया हूँ कंपनी की वेबसाइट पे दोस्तों। तो ये है कंपनी की वेबसाइट, डायनेमिक केबल्स लिमिटेड। और आप यहाँ पे आके देख सकते हैं ये लोग क्या काम करते हैं। और मैं जब इसमें आया था तो जो मैंने जो मेन चीज़ जो नोटिस करी, जो मैं सोच रहा था आपको भी दिखाने के लिए, वो ये था कि दे आर द ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ केबल्स एंड कंडक्टर्स फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट क्लाइंट्स ग्लोबली। मैं आपको इसके क्लाइंट्स पे भी लेके जाऊंगा और कुछ ऐसे ऐसे क्लाइंट्स दिखाऊंगा जो आप सोच नहीं सकते कि इस कंपनी के वो क्लाइंट्स हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, मेक इन इंडिया मॉडल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया है, उसमें भी डायनेमिक केबल्स का बहुत अच्छा हाथ है। उसमें भी ये जो केबल्स हैं वो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से एक्सपोर्ट भी होने लगी हैं। और इनके बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि विद इन केबल्स इतने प्रोडक्ट्स हैं हम सोच भी नहीं सकते। जो आप देख सकते हैं, MV कवर्ड कंडक्टर्स हैं, LV रेलवे सिग्नल केबलिंग्स हैं, और 66 किलोवाट हॉर्स वोल्ट पावर केबल है। और आप यहाँ देख सकते हैं देर एक्सपोर्टिंग टू अराउंड 40 कंट्रीज। ये सब कंट्रीज है जहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत इनके पास डोमेस्टिक कैटलॉग भी है और इंटरनेशनल कैटलॉग भी है, मतलब डोमेस्टिक कस्टमर्स भी हैं उनके पास, इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ भी कुछ सेमी कंडक्टर्स हैं, कुछ कंडक्टर्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चर करती है। और मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये इनके कुछ क्लाइंट्स हैं, पावर ग्रिड हो गया, भेल हो गया, NTPC हो गया दोस्तों, और कुछ कुछ नाम तो मैंने पहले सुने भी नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे भी नाम है जो मैं अभी आपको दोबारा लेके जाऊंगा। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं और वो कंपनीज का नाम सुनते ही आप पक्का इस शेयर के ऊपर और रिसर्च करेंगे अपने एंड से, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इच्छा जगाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़ और यहाँ पे। मैं यहाँ जाता हूँ अबाउट में, ओवरव्यू में जाता हूँ यहाँ पे, और इनका विजन मैं आपको दिखाना चाहता था, जिसमें इन्होंने साफ लिखा है दे आर इंक्रीजिंग ओवरसीज फुटप्रिंट्स एंड अ न्यू प्लांट इन ऑफरिंग। द कंपनी इज टारगेटिंग अराउंड 1500 टू 200,000 करोड़ टॉप लाइन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो अगले 10 साल के लिए इनके पास इन्वेस्टमेंट भी है। इनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इनका टारगेट क्या है, ये सब कंपनी का फोरसाइट और सब कंपनी ने अच्छे से माइंडसेट करके रखा हुआ है। और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं नीचे, एक बार फिर से आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। इनके कुछ प्रोडक्ट्स पूरी लिस्ट है यहाँ पे, और इनके ऑफिसेस दिल्ली में, मुंबई में, वडोदरा, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ सब इनके ऑफिस हैं। अब मैं इसकी और डिटेल्स पे जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। डायनेमिक केबल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था केबल्स के लिए है,
पावर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल्स, सोलर केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग केबल्स, आपको पता है नई नई ट्रेन्स आ रही हैं उनके लिए वायरिंग केबल्स, वो सब काफ़ी जगहों पे इनके केबल्स भी जाते हैं। और इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सिचुएटेड इन जयपुर, रिंगस, और दो ही जगह दी हैं लेकिन इन्होंने लिखा है कि 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और इनका कॉर्पोरेट ऑफिस जयपुर में है विद 5 अदर रीजनल ऑफिसर्स अक्रॉस इंडिया। और कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इनके एक्स्ट्रा क्लाइंट्स कौन कौन से हैं और किन किन कंट्रीज से ये मैन्युफैक्चर किन किन कंट्रीज पे अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं। आप देख सकते हैं ग्लोबल फुटप्रिंट्स पे दोस्तों, सम ऑफ द एक्सपोर्ट कंट्रीज आर अफगानिस्तान, इराक, जॉर्डन, कीनिया, इजिप्ट एंड यूएस, और यूएसए में भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। और कुछ इनके क्लाइंट्स हैं दिल्ली मेट्रो, भेल, ओपीटीसीएल, बीएसईएस, टाटा पावर, दोस्तों टाटा पावर भी इनके इनका क्लाइंट है, गोदरेज भी है, एलएनटी भी है, हिताची एनर्जी भी है, और इनफैक्ट अडानी भी इनके क्लाइंट्स में से एक है। दोस्तों इतनी वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स है इनके पास। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स में अगर आप आइए तो कीनिया पावर, सैनिलैक, जेस्को एक्सेट्रा कुछ इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। और हाँ एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि आप जब भी इसको गूगल में सर्च करेंगे तो प्लीज़ बीएससी जरूर लिखिएगा। रीज़न इसलिए क्योंकि 27 जुलाई को ही एनएससी पे रिजल्ट एनएससी पे ही लिस्ट हुई है 27 जुलाई को, तो हो सकता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले वहाँ पे जब आप सर्च करिए, तो इसलिए आप बीएससी जरूर लिखिएगा। लेकिन हाँ अभी कंपनी एनएससी पे भी लिस्ट है, बीएससी पे भी लिस्ट है, लेकिन 27 जुलाई 2020 से पहले सिर्फ बीएससी में लिस्टेड थी। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल सिर्फ 401 करोड़ का है, जैसे मैंने कहा बहुत छोटी कंपनी है, अल्ट्रा रिस्की है और अल्ट्रा रिवॉर्डिंग भी है। बुक वैल्यू 67 की है, स्टॉक का पी 12.3 के आसपास का है, और आरओई और आरओसीई दोनों 23 है। मैं हमेशा आपको वही स्टॉक बताता हूं जिसका आरओई आरओसीई एटलीस्ट 15 से ऊपर हो। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, एक बहुत पॉजिटिव चीज है हम लोग के लिए। और आप देख सकते हैं पिछले एक साल का ग्राफ जो कि बहुत लो से अराउंड 5960 से अभी 180 तक जा चुका है। कुछ जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि 180% एक साल में ऊपर जा चुका है। प्रॉस में क्या है, कंपनी इज रिड्यूस डेप्ट, एक्सेप्शनली गुड, कॉन्स में सच कोई भी कॉन्स नहीं है। हाँ पियर्स कंपैरिजन में पॉलीकैम जो कि बहुत बड़ी कंपनी अपने में ही, नो डाउट, केईआई इंडस्ट्री जो कि एक एक्सेप्शनली गुड कंपनी है, फिर से फिनोलेक्स केबल्स है, यूनिवर्सल केबल है, और उसके बाद आता है डायनेमिक केबल्स। तो डायनेमिक केबल आपको बहुत चीप रेट में मिल रहा है दोस्तों, सिर्फ 12 के पी है इसका, और 180 रुपये के आसपास का शेयर है, और बहुत जल्द फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाला है। और मैं अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखता हूँ तो देखिए दोस्तों, जून 2021 में 114 करोड़ था, सितंबर में इंक्रीज हुआ, दिसंबर में इंक्रीज हुआ, फिर से मार्च में 172 करोड़ हो गया, और जून में दोबारा 158 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जून में दोबारा 158 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, और अदर इनकम का बहुत छोटा पार्ट है जो कि बहुत अच्छी बात होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है। और नेट प्रॉफिट देखिए क्वार्टर बाय क्वार्टर 7.85 था जो कि सितंबर 2021 में था, जून में भी 7.17 है, और प्रॉफिट में भी इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। और प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं ईयर बाय ईयर, आप ईयर बाय ईयर भी देख सकते हैं, मार्च 2019 में 527 करोड़ था, मार्च 2020 में 429 करोड़, और मार्च 2021 में आपको पता है कोविड इम्पैक्टेड था 343, और यहीं से मेड इन इंडिया आया था दोस्तों मार्च 2022 से, आप देख सकते हैं 564 करोड़। और अभी तक का जो टाइम टिल मंथ है, अभी तक का जो एस्टिमेशन है वो 607 करोड़ का, जिसके हिसाब से इसका जो प्रॉफिट आएगा वो अराउंड 33 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का अनुमान है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब इसके सितंबर के रिजल्ट आएंगे तो दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं इसके।
और आप आपके मैं रिज़र्व भी दिखाना चाहता हूँ। कंपनी के पास रिज़र्व भी है, 126 करोड़ का रिज़र्व है और बोरोइंग सिर्फ 77 करोड़ की है, जो अगर ये चाहें तो एक ही झटके में अपनी पूरी बोरोइंग क्लियर कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कुछ नहीं कर रखी है, अदर एसेट्स भी अराउंड 300 करोड़ के इनके पास अदर एसेट्स भी हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कैश कन्वर्जन साइकिल भी 82 डेज का है, जो कि पहले से बहुत इंप्रूव हो गया है। ROCE जैसे मैंने आपको बताया था 23-24% के हिसाब से है। सबसे बड़ी बात दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 74.39, अराउंड 74.40, मतलब 0.60 कम है 75% से। आपको पता है 75% से ऊपर होल्डिंग नहीं होती है प्रमोटर्स की, मैक्सिमम दे कैन हैव इज 75%। तो पूरा का पूरा ही जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, इसमें FII और DII का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और पब्लिक के पास अराउंड 25.48, 25.5% की पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कंपनी के बारे में और भी पढ़ सकते हैं आप चाहो तो। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा दोस्तों कि Q2 के रिजल्ट आ जाने दीजिए, और Q2 के रिजल्ट आने के बाद आप उस बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस बात की गारंटी पूरी दे सकता हूँ कि शेयर्स आगे आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा ही जाएगा। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा बिना वायर्स बिना केबलिंग के नहीं होगा। अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं आया है कि वायरलेस केबल्स लग रही हैं। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जितना भी डेवलपमेंट होगा वो उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक की वायर्स की केबल्स की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से आएगी? यहीं सबसे आएगी दोस्तों। इसलिए बिना केबलिंग बिना वायरिंग के डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको जरूर बोलूँगा एक बार कि एक बार इसको जरूर रिसर्च करिए, और पैसा लगाने से पहले अपना पैसा लगाने से पहले एक बार जरूर रिसर्च करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर दैट, बाय।